पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संबल में खेत पर गए किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। आरोपी की गेहूं चुराने के विरोध में किसान को गोली मारकर हत्या की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पूरा मामला संबल जिले के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गहट का है, जहां खेत पर गए किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं मौत से परिवार में कोहराम मचा है। घटना के पीछे गेहूं चुराने की वजह सामने निकल कर आ रही है। आरोपी की मृतक ऋषिकेश का 3 दिन पूर्व गांव के पप्पू से खेत से गेहूं चुराने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मृतक ने पुलिस से शिकायत दर्ज की थी। आरोप है कि इससे खाफा होकर आरोपी ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी। ये बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस इस मामले को उसी दिन गंभीरता से ले लेती तो आज मृतक की जान नहीं जाती। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अनवीर इसके गेहूं चुराए तो इसको जान नाम लो उसका तो कहने जे घर आए के तब मारे पीटे। उसने कही के वो खाद इतने लगा देंगे तो फिर जे खेत भरने गए। परसों लड़ाई आई फिर जे खेत भरने गए। वो रात तो खेत भरने गए हुए तो गाने जाए गए गोली मार दी जाए। गोली किसने मारी है? पप्पू ने। और किसी? और किसी ने ना। अच्छा अच्छा, क्या रंजिश थी इनते? वही रंजिश थी गेहूँ वाली। अच्छा अच्छा, इसमें कोई गिरफ्तार हुआ अभी तलब? अभी तलब पप्पू हो गया। गेहट में थाना गुन्नौर में कल पानी लगा रहा था एक व्यक्ति, ये ऋषिकेश नाम का व्यक्ति है। ये अपने खेत में रात में 2-2:30 बजे करीब पानी लगा रहा था। उसी समय एक पप्पू करके व्यक्ति है आया और उसने इसके पैर में गोली मार दिया इसमें, और उसके बाद वो फरार हो गया। जब ये घायल हुआ, घायल अवस्था में इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग के कारण इसकी मृत्यु हो गई। जब घटनाक्रम का पूरा जानकारी की गई तो ये निकल के आया कि 2-3 दिन पहले इनका गेहूं को लेकर के आपस में विवाद हुआ, गेहूं चुराने को लेकर के आपस में ऋषिपाल का और पप्पू का विवाद हुआ था। उसी क्रम में ये कल रात में पप्पू गया था इसको खोजते हुए और इसके ऊपर फायरिंग कर दिया। अभी पप्पू गिरफ्तार हो चुका है, विधिक कार्रवाई आप लिखा गया है मूल रूप से, और इसको वो गिरफ्तार भी हो चुका है, इसमें विधिक कार्रवाई की।